खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक की चुनावी लड़ाई में सियासी सूरमा ताल ठोक रहे हैं। वोटिंग से पहले 15 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी ने प्रचार में मंत्री और मुख्यमंत्रियों की टीम उतार दी है। और उधर कांग्रेस का दारोमदार राहुल और प्रियंका पर है। चुनावी घमासान में प्रियंका गांधी का आज एक अंदाज दिन भर चर्चा में रहा। युवा एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाती हुई नजर आई। कर्नाटक का चुनावी कुरुक्षेत्र है और महारथी अपने अपने रथों पर सवार हैं, लेकिन ये काफी नहीं। जनता जनार्दन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, प्रियंका गांधी को ही देख लीजिए। मैसूर के एक रेस्टोरेंट में वो किचन में गईं और डोसा बनाया। सधे हुए हाथों से जितना बढ़िया डोसा प्रियंका ने बनाया, कांग्रेस को चुनावी मैदान में भी उनसे ऐसी कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन चुनावी दंगल में प्रियंका अकेली नहीं, बीजेपी ने भी बड़े बड़े सूरमा उतारे हैं। रोड शो और रैलियां कर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। योगी ने राम मंदिर और धर्म के आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उधर प्रियंका ने डोसा पॉलिटिक्स के बाद राहुल की संसद सदस्यता जाने को लेकर इमोशनल कार्ड खेला। ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है, और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा, वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी। और मैं आप सभी बजरंग बली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। पर वो राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसने आपके लिए काम किया है कि आपको लूटा है? 40% सरकार है, किसकी सरकार है? सारे स्कैम, जितनी भी भर्ती के एग्जाम है उसमें स्कैम किसने की? पोस्ट के लिए कमीशन कौन मानता है? तो किसको निकाल के फेंकना है यहाँ से? कर्नाटक के चुनाव में मंदिर और मठों की अहमियत बहुत है, क्योंकि उनसे हजारों की तादाद में जुड़े भक्तों का वोट कीमती साबित होता है। हैरत की बात नहीं कि प्रियंका गांधी श्रृंगेरी पहुंची, शारदा देवी मंदिर में पूजा पाठ किया और मंदिर के बाहर हाथी को फल खिलाए। पूजा पाठ की ऐसी हर तस्वीर कांग्रेस की ओर से जनता को एक सियासी मैसेज है। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी विजयपुरा जिले के बसवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी है। योगी अकेले मोर्चे पर नहीं है, प्रचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। दोनों ने बीजेपी सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया, लेकिन हमले पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी रहे। आज हमारे कांग्रेस के नेता हैं, नौजवान हैं, वो कहते हैं मैं भारत जोड़ूंगा। भारत जोड़ो यात्रा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या भारत टूट गया है? आप बताइए, भारत टूटा है? अरे भाई, एक बार टूटना था 1947 में, आप भी लोग थे, हम लोग नहीं थे। हालत वही है जैसे ट्रेडमिल पर लगातार कोई चले। सेहत तो अपनी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन समाज को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा, उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारे मोदी, कोर्ट ने जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भक्त फिर रहे। बीजेपी ने कर्नाटक में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की फौज उतारी है।
जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी शुरू होगा। उधर कांग्रेस का दारोमदार राहुल और खासकर प्रियंका गांधी पर है। चर्चा है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए प्रियंका को 2024 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाने की रणनीति है, जिनके रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ नोटिस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।